अगले दो महीने में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए समय अब कम रह गया है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी फोर इंटू थ्री यानी कि बारह घंटे में आपको अपना परसेंटेज फिनिश करना है। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करें? तो आज आप लोग के लिए मैं 60 डेज का एक कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूँ मैं एसएससी सीजीएल 2022 सी जी एंड दो में फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूँ पांच बार मैच में 50 आउट ऑफ 50 मैंने स्कोर किया है ये स्ट्रैटेजी केवल देखो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है भले आप बिगिनर लेवल पे हो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल ये स्ट्रैटेजी हर एक बच्चे के लिए कारगर रहेगी सभी को नमस्कार मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है एक बार आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं एसएससी सीजीएल 2022 सी जी एंड दो में फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूं इसके अलावा पांच बार मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 मैंने स्कोर किया है जिसमें दोनों ये सीजीएल शामिल है एस एस सी सी एच एस एल एंड दो बार एस एस सी फेज के एग्जाम शामिल है तो आज आप लोग के लिए मैं सिक्सटी डेज का एक कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं अगले दो महीने में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए क्योंकि तो अब एक दिक्कत बच्चों के सामने ये आ रही है कि सर समय अब कम रह गया है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है इसमें आप लोगों को नई चीज़ें भी कवर करनी है रिविजन भी करना है और इसके साथ साथ आप लोग को मॉक टेस्ट भी देने हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें डे बाय डे प्लान आप लोग को यहाँ पर मैं दूंगा और ये सारी चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिराइव करी हैं वो चीज़ें जिन्होंने मुझको एक बार में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करी थी ठीक है अब किन पॉइंट्स पर यहां पर चर्चा होगी यह मैं बता दूं आपको अच्छा इसको बताने से पहले यह स्ट्रैटेजीज केवल देखो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है ताकि किसी के मन में यार ये अफसोस ना रहे कि सही गाइडेंस ना होने की वजह से आखिरी के दो महीने में सही गाइडेंस ना मिलने के कारण हम सिलेक्शन नहीं ले पाए ठीक है तो अगर आप सीरियस है वाकई में ये दो महीने तक जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं तो वीडियो को एंड तक जो है जरूर देखिएगा अब भले आप बिगिनर लेवल पे हो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल ये स्ट्रैटेजी हर एक बच्चे को देखो हर एक बच्चे के लिए कारगर रहेगी देखो किन पॉइंट्स पर हम लोग की यहां पर चर्चा होगी सबसे पहले तो हमारा सिलेबस का डिटेल डिस्कशन होगा कितने सेक्शंस होते हैं मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस डी हर चैप्टर का वेटेज क्या होता है यानी कि हर चैप्टर से कितने कितने सवाल आते हैं यह बहुत जरूरी है जानना क्योंकि उसी हिसाब से आप लोग को मेहनत करनी है अगर प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे मान के चलो तीन से चार सवाल आ रहे हैं और एवरेज से एक सवाल आ रहा है तो बताओ किस पे ज्यादा मेहनत करने से बेनिफिट मिलेगा है ना तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है तो हम लोग चैप्टर वाइज यहां पर वेटेज जानेंगे कि हर चैप्टर से कितने कितने सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और जो आज की पूरी स्ट्रेटेजी का क्रक्स है वो ये चीज है जिस पे हमारी पूरी टीम की यार सबसे ज्यादा मेहनत लगी है हफ्तों से ये प्लान आप लोग के लिए तैयार हो रहा था हम लोग हर चैप्टर में देखेंगे कि हाई वेटेज वाले टॉपिक्स कौन से हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनसे 80 परसेंट से ज्यादा चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं नंबर सिस्टम में आप देखने जाओगे तो बीस वेराइटीज से ज्यादा है लेकिन आपको क्या मालूम है केवल दो ऐसी वेराइटीज है जिससे एट्टी से, से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इस चीज को यार कवर करने में ये आप लोग के लिए देखिए इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है ये यहां से पता लगाया गया है और आपको मालूम है कि एक साल जब एग्जाम होता है तो तीस तीस चालीस चालीस शिफ्ट में एग्जाम होता है अब पिछले पांच साल के सभी शिफ्ट्स को एनालाइज करना ठीक है कि कौन से टॉपिक में क्या वैरायटी जो है बार बार पूछी जा रही है इससे यह चीज डिटरमाइन हुई है ठीक है तो यह आप लोग को मैं यहां पर आज बताऊंगा जिससे सबसे ज्यादा आप लोग को फायदा मिलने वाला है एंड तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि मॉक टेस्ट कितने दिन पहले से देना शुरू करना है ठीक है कैसे हम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प करेंगे ये सारी चीजें इन तीन पार्ट में मैंने स्ट्रेटेजी को बांटा हुआ है ठीक है तो 20 मिनट की स्ट्रेटेजी रहेगी ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा एंड तक लेकिन इसको जरूर देखिएगा चलो अब जो भी यहां पर है ये प्री का मैंने पैटर्न आपके सामने रखा हुआ है कि मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन आपको मालूम है आने हैं जिसमें तीन सेक्शंस में चलो इसको बांट दिया जाए अरिथमेटिक एडवांस और डेटा इंटरप्रिटेशन आपके अरिथमेटिक के 10 से 12 सवाल एग्जाम में आएंगे और वही सेम वेटेज एडवांस मैथ्स का होता है दस से बारह क्वेश्चन और ये चीज अब बहुत कॉमन हो गई है कि इक्वल इक्वल दोनों के ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं ये ऐसा सी एच में भी देखने को मिला है ठीक है पहले क्या होता था कि पहले अगर आप 18 उससे पहले के देखोगे एग्जाम्स को तो अरिथमेटिक 60 परसेंट आती थी एडवांस मैथ्स थोड़ी सी कम 40 परसेंट होती थी ठीक है इसी वजह से ये लेटेस्ट ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है कि अब ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जो है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है इसके अलावा डी के दो सवाल से तीन सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अब अरिथमेटिक के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ्स में क्या क्या चैप्टर है इनका क्या वेटेज है ये आप लोग के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं देखो कुल हमारे मोटे मोटे यहां पर तेरह चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक में जिससे लगभग बारह क्वेश्चन आपके आ गए ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि एक दो शिफ्ट में आपके अरिथमेटिक के बारह हो उसके कम क्वेश्चन हो दस ही पूछे जाए है ना हो सकता है कि एडवांस मैथ्स के कुछ शिफ्ट में बारह के आ जाए अरिथमेटिक के टेन ही क्वेश्चन रहे ठीक है ले देखिए आपका ही वेटेज जो है बीस से बाईस क्वेश्चन का रहेगा है ना सॉरी हाँ से तेईस क्वेश्चन जो है इन्हीं के बीच में बांटे जाएंगे अब यहां पर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट एवरेज रेशियो प्रपोर्शन पार्टनरशिप मिक्सर एलिगेशन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क पाइप एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम्स ये हमारे चैप्टर जो है यहां पर शामिल है अब अगर मैं हर चैप्टर में देखूं कि कितने कितने सवाल आपके पूछे जाते हैं तो ये मैंने लिखा है कि जैसे परसेंटेज में आपके एग्जाम में एक से दो सवाल आते हैं एंड ये डेड ऑन एक्यूरेट है मैं मतलब बहुत ही भरोसे के संग बोल सकता हूं कि आप रैंडमली कोई भी शिफ्ट उठा के चेक कर लीजिएगा हर में दो तीन शिफ्ट जब आप लोग चेक करेंगे ये वाला वेटेज जो है वहां पे सेट बैठ रहा होगा ठीक है तो परसेंटेज के आपके एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अब जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाली यहां पर वेराइटी आप लोग को दिखेगी हाई वेटेज वाला चैप्टर दिखेगा वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इससे एग्जाम में आपको पता है ऑलमोस्ट तीन से चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो सवाल डिस्काउंट के अलग से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके अलग से आ जाएंगे एक से दो क्वेश्चन ठीक है तो ऑलमोस्ट चार सवाल आपको सिर्फ एक चैप्टर से मिल सकता है है ना और यही पर अगर मैं बात करूं एवरेज है एवरेज का फिक्स होता है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ना उससे ज्यादा आता है ना उससे कम ठीक है तो इसी हिसाब से हम लोग को अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना है ठीक है मैं डे भी बताऊंगा कि कितने डे में आप लोगों को क्या चीजें कवर करनी है चलो हो गया हमारा अब अगर मैं बात करूं तो ये जो तीन चैप्टर्स होते हैं कहीं कहीं ना कही यार इंटर रिलेटेड होते हैं क्योंकि रेशियो का ही एप्लीकेशन पार्टनरशिप में में होता है और में होता है 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 और मिक्सचर ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ गया था आप आके बोलोगे सर रेशियो का क्वेश्चन आया था असल में वो मिक्सचर का होगा ठीक है इसके अलावा मैं बात अब प्रपोर्शन से भी इंडिविजुअल सवाल पूछे जाने लगे हैं ठीक है रेशियो से भी आता है प्रपोर्शन से अलग से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में ठीक है तो अगर इन तीन चैप्टर्स को मैं एक साथ कंसिडर करूं दो से तीन सवाल आपके मिला के यहां पर बनते हैं कुछ शिफ्ट में देखिए पार्टनरशिप नहीं पूछा जाएगा तो आपका रेशियो से क्वेश्चन आ गया है ना हो सकता है कुछ में पार्टनरशिप से सवाल आ जाए तो इन दोनों से ना देखने को मिले या इंटर रिलेटेड है इसको हम लोग एक आ, क्लस्टर में ही लेके चलते हैं फिर आपके में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं ठीक है इसमें एक से दो सवाल आपके पूछे जाते हैं कुछ शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आएगा चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट से आ जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाए कुछ में एक एक से दोनों पूछ लिए जा सकते हैं तो अगेन एक से दो क्वेश्चन इसका वेटेज होता है बहुत सारी क्योंकि ऐसे भी हम लोग ने शिफ्ट देखी जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही सीधे आ जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा या फिर कुछ शिफ्ट दो में मैंने ऐसी देखी कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का नामो निशान नहीं ठीक है हो सकता है दोनों सी के आ जाए दोनों एस SI के आ जाए क्वेश्चन ठीक है ये ये आप लोग का जो है वेटेज इस तरीके से देखने को मिला अब

फिर मैं आपको बताऊं रेस वाले प्रश्न मैंने अलग से रेस टॉपिक नहीं लिखा क्योंकि वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इंक्लूडेड है आपके एग्जाम में रेस से भी सवाल आने लगे हैं एक से दो क्वेश्चन रेस के आपको मिल जाएंगे ठीक है तो मैं अगर यहां पे बात करूं सबसे ज्यादा वेटेज आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का है उसके बाद ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है अगर मैं दोनों को साथ में कंसिडर कर लू तो मे बी थ्री इवन फोर क्वेश्चन भी यहां पर आपके आ सकते हैं ठीक है तो आप समझ में तो आए कि किस तरीके से आप लोग को अपना जो तो टाइम है वो तो इन्वेस्ट करने की जरूरत है मैं बताता हूं कि एवरेज में एक क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा इसमें समय मत दो ठीक है इसी तरीके से परसेंटेज शुरू में आप लोग दे सकते थे लेकिन अगर एक्चुअल डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात करोगे तो एक से दो सवाल एग्जाम में इससे आता है उसे ज्यादा मेहनत आप लोग बाकी में कर सकते हो फिर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एडवांस मैथ्स की बात एडवांस मैथ्स में आपके पास दस चैप्टर्स है मैंने डी को भी यहीं पर शामिल कर लिया ये अलग से सेक्शन था मैंने इसी में जोड़ लिया दो सवाल मान लो आपके इसके हो गए ठीक है आप समझना भाई यहां पे नंबर सिस्टम एलसीएमएचसी के मिला के आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन होते हैं हो है, दोनों नंबर सिस्टम के आ जाए ना पूछा जाए इंटर रिलेटेड है।, है एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा और कितना इसको समय देना है अभी मैं ये भी बताऊंगा एक होता है फिक्स नौ से ज्यादा आएगा उससे कम हो सकता है कुछ शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन हो सकता है गायब कर दे अब एल्जेब्रा के दो से तीन क्वेश्चन फिक्स होते हैं है ना ट्रिगो हाइट एंड डिस्टेंस के भी दो से तीन सवाल एग्जाम में फिक्स हैं आएंगे ही आएंगे ज्योमेट्री के आपके दो से तीन क्वेश्चनेशन टू डी एंड थ्री डी एक साथ मैंने लिखा है आपके इसमें भी दो से तीन सवाल होते हैं ठीक है तो इसको एक साथ मैंने क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड रिलेटेड होते हैं कभी कभार क्या होगा कि मेन्सुरेशन के तीन सवाल आ गए उसके दो ही रह गए ज्योमेट्री के हो सकता है ऐसे चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तब मैंशन का कम पूछा जाएगा इस वजह से ये इंटर रिलेटेड है अगर मैं एक साथ मान के चलू तो यहाँ पे पांच से छह क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स को मिला के होते हैं स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आप लोग प्री में छोड़ सकते हैं बहुत कम वेटेज होता है जैसे मान के चले चालीस शिफ्ट हुई है तो उसमें से पांच शिफ्ट में जैसे कि आ गया सवाल ठीक है क्योंकि मैंने बताया ना अब आपके पास समय नहीं है तो आप लोग डेज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं ठीक है, है। लेकिन नहीं देगा ठीक है मेहनत भी करोगे अगर एग्जाम में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है और डी आई के दो से तीन सवाल अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको किस तरीके से अपना जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होगा आप लोग इसका आउट निकाल लो जहां पर भी पढ़ाई करते हो उसको पेश कर लेना ठीक है पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे दिस इज माई टेलीग्राम ठीक है क्योंकि जब आपको भी मालूम है कि डे बाय डे किस तरीके से प्रोसीड करना है तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा होता है कि हम उसको डेडिकेटली फॉलो कर लेते हैं ठीक है तभी देखो जब एग्जाम डेट आती है तभी बच्चे सीरियस होते हैं ना आपको मालूम है कि पेपर सितंबर से, से अक्टूबर में होना था पहले से सभी को मालूम था लेकिन ये सीरियसनेस कब आई जब आपके पास एग्जाम डेट आ गई क्यों क्योंकि अब आपके पास एक फिक्स विंडो है सिक्सटी डेज की सेवेंटी फाइव डेज की ठीक है कि इतने में ही हमको सारी चीज़ें करनी है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आपके पास कोई चीज प्लान्ड है उसको आप लोग फॉलो कर ले जाओगे तो ये अगेन मैंने जो भी चीज़ें बनाई है अपने एक्सपीरियंसिस से बनाई है इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे बार फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी मैथ्स में स्कोर किया है अब देखो यहां पर देखोगे तो परसेंटेज तीन दिन में आप लोग को फिनिश करना है नंबर ऑफ़ क्या क्या पढ़ना है जैसे इसके लिए एक एक मैं आपको कि मैंने आपके लिए आपको मालूम परसेंटेज में अगेन टेन टू फिफ्टीन वेराइटी होती है लेकिन कौन सी ऐसी पांच छह वेराइटीज हैं सिर्फ इन्हीं से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है ठीक है ये चीज आप लोग को जो है मैं यहां पर डायरेक्टली दे रहा हूं कि सिर्फ ये आप लोग को चीजें पढ़ने की जरूरत है और कुछ मत करो ठीक है मैं बता रहा हूं समय नहीं है ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ने परसेंटेज दस दिन लगा लिया है पंद्रह दिन लगा लिया तो एग्जाम में आप लोग उसी से जो है क्वेश्चन भरे रहेंगे कर ले जाओगे नहीं एग्जाम में एक सवाल आपका आएगा फिर आप उसमें भले ही दस दिन दो या फिर बीस दिन दो है ना तो जो भी यहां पर चीजें लिखी हुई हैं इसको एज इट इज फॉलो कर लो बाद में आके मुझे थैंक यू बोल देना ठीक है कि हाँ सर इसी से जो है सारी चीजें आई हैं चलो इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस और, और डिस्काउंट इसको साथ में कंसिडर करके हमको चार दिन में जो है फिनिश करना है एवरेज में दो दिन देना है बिकॉज इसका वेटेज उतना नहीं होता है नहीं और इजी भी है इन तीन को अगर मैं मिला लू एक साथ कंसिडर कर लू तो छह दिन में हम लोग को अपना रेशियो प्रपोर्शन पार्टनरशिप मिक्सर एलिगेशन खत्म करना है और ये ऑर्डर भी आपको फॉलो करना है ये मत करना कि पहले इस पे टूट पड़ रहे हो ठीक है ये ऑर्डर भी आपको फॉलो करना है फिर एस आई सी आई ये आप लोग को पांच दिन में फिनिश करना है सिंपल इंटरेस्ट ईजी है आप चाहो तो इसको एक दिन में भी निपटा सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम लगेगा इसमें तीन से चार दिन आपको देने पड़ेंगे तो वही इन दोनों में लगभग चार से पांच दिन आपका जो है समय लग जाएगा सभी वैरायटीज फिनिश करने में और ये आप तभी भी कर सकते हो अगर मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छी आप लोग की अब तक प्रिपरेशन नहीं भी चल रही थी ठीक है हे वायर थी प्रिपरेशन फिर भी ये चीज जो है आप लोग फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड वेराइटीज आप लोग के लिए यहां पर रखी है ओके फिर टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टन की मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क अगर अच्छे से आपने कर लिया पाइप एंड सिस्टन आपका आधे दिन में यार हो जाएगा जरूरत ही नहीं है

तीन दिन ये नहीं कि पूरा तीन दिन आप लोग मैथ्स ही करते रहो जितना समय आप लोग ने डेडिकेट दिया हुआ है मैथ्स के लिए जैसे दो घंटे या चार घंटे निकाल के रखे मैथ्स के लिए तो उतना ही समय देना है चार घंटे अगर एक दिन में पढ़ रहे हैं आप फोर इंटू थ्री यानी कि बारह घंटे में आपको अपना परसेंटेज फिनिश करना है ठीक है ये हो गया हमारा सबको मिला के देखोगे तो टोटल तो तो यहाँ पे ट्वेंटी नाइन डेज का जो है ये प्लान निकल के आ रहा है एक दिन आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है कभी आप लोग ने ज्यादा पढ़ लिया कभी कम पढ़ा अब एडवांस मैथ्स की यहां पर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इसमें भी वही वेटेज हम लोग का है उनतीस से तीस दिन में आपका ये भी जो है फिनिश होगा अब इसमें नंबर सिस्टम और एच सी एफ को मिला के आपको ये चार से पांच दिन में फिनिश कर लेना है जो तो कि आसानी से हो जाएगा ठीक है मैं ये मैक्सिमम लिख रहा हूं कि इससे ज्यादा तो नहीं देना है इससे कम भले ही आप लोग का हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक भी दिन इससे ऊपर आपको नहीं देना है क्योंकि तो अगर आपने यहां पर पांच दिन दे दिए नीचे से आप लोग का एक दिन कम हो जाएगा ठीक है सिंप्लीफिकेशन में आपको बताऊं कि एक दिन भी यहां पर पूरा मतलब क्या कहते हैं कि चाहो तो दो वरना फिर आपको ये आधे दिन में भी आप लोग अपना ये फिनिश कर सकते हो क्योंकि फ्रांकली मैं बताऊं जिस हिसाब से आपका समय अगर बाकी आपके प्रिपरेशन अच्छी है सिंप्लीफिकेशन आप एग्जाम में कर लोगे बोर्ड मास वाले कर लोगे क्वेश्चन क्या कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन वाले कर लोगे थोड़ी सी अगर सीखने की जरूरत आपको होगी तो वो सीरीज वाले सवाल में होगी तो बस उतना ही आपको यहां पे पढ़ना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर एल्जेब्रा में आपको पांच दिन देने पड़ेंगे ट्रिगो हाइट एंड डिस्टेंस में इनको मिला के लगभग पांच दिन या छह दिन बोलो देने पड़ेंगे जियोमेट्री में सिक्स डेज दोनों मतलब टू डी थ्री एक साथ मैंने लिखा है इसमें फाइव डेज देने पड़ेंगे प्रॉबिलिटी मैंने अभी आप लोगों को छोड़ने के लिए बोला है क्यों क्योंकि अगेन हाई वेटेज यहां पे नहीं है और डीआई को यार सबसे एंड में करना मैं आपको बताऊं बताऊ में भी मैंने तीन दिन लिख दिया है इसमें कुछ ही चीजें हैं जो कि आप लोग को एडिशनल पढ़ने की जरूरत होंगी टेबल में कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना है अगर आपने परसेंटेज एवरेज रेशियो अच्छे से कर लिया है तो ठीक है टेबल से क्योंकि डेटा रेफर करना आपको आता है जो नई चीजें सीखने की जरूरत होंगी वो इसमें पाई चार्ट में होंगी एंड हिस्टोग्राम में होंगी बाकी जो हमारा डी है वो स्टैंडर्ड टेबल हो गया बार हो गया लाइन ये हम कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो इस वैसे इसको एकदम एंड में रखना है कि बाई चांस एंड में समय आपके पास नहीं भी बचता है तो भी यह नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ठीक है कंसेप्ट आप लोग को क्योंकि मालूम होगा ओके okay? तो ये तो फिलहाल हो गया हमारा यार डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से अपना समय बांटना है अब जो सबसे जरूरी चीज है यह मैं जल्दी से आप लोग को थोड़ा सा शो करना चाहूंगा एंड अगर ये प्रॉपर आप लोग को प्लान चाहिए तो उसके लिए फिर टेलीग्राम पे आ जाना ये टेलीग्राम पे पीडीएफ क्योंकि मैं जो है आपके लिए पूरी अपलोड कर दूंगा दिस इज माई टेलीग्राम उत्थकर सर मैथ्स ओके okay. चलो लेट सी अब परसेंटेज में आंख मूंद के बस ये छे, छे से सात वैरायटीज आप लोग को करनी है जिसमें आपका प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शामिल है सक्सेसिव परसेंटेज पॉपुलेशन वाले सवाल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हो गए हमारे इलेक्शन वाले सवाल और इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन ये आप लोग का ऑलरेडी हो जाएगा अगर ऊपर के अच्छे से आप लोग ने कवर किए हैं टॉपिक्स तो ठीक है अगर एडिशनल आप लोग को वेराइटीज दिख रही हैं अभी इसको छोड़ दो मैं बता रहा हूं क्योंकि आपका मेन प्रायोरिटी जो इस समय है वो है सेलेक्शन आप लोग को मैथ्स में अभी काबिल नहीं बनना आप लोगों को सिलेक्शन लेना है ठीक है आप लोग को वहां पे दिख रहा होगा कि ये सर ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाले सवाल है सब छोड़ दो एग्जाम में नहीं आएंगे ठीक है और इसको फॉलो करके यार डेडिकेटली देखना हर बच्चा ठीक है भले ही आप एडवांस लेवल पे हो ठीक है ये सारे जो 60 डेज का मैंने प्लान दिया है इसको आप लोग फॉलो कर लो इतनी चीजें कवर कर लो सिलेक्शन गारंटीड है ठीक है एक बार पूरा कवर हो जाएगा ये आपका उसके बाद जितना मर्जी चाहे आप लोग उतना कर लेना लेकिन समय बचेगा नहीं मैं यहां पे ईमानदारी से बताऊं तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में देखना चाहोगे बीस वेराइटी से ज्यादा होंगी आपकी पढ़ना क्या क्या है आपको आपके सामने लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेलिंग प्राइस सेम वाला कंसेप्ट सक्सेसिव ट्रांजेक्शन कंसेप्ट आर्टिकल बेस्ड कंसेप्ट ऊपर वाले जो हमारे दो कंसेप्ट लिखे हैं जहां पे दो सेलिंग प्राइस दिए होते हैं और ये नंबर लाइन वाले सवाल ठीक है? वाले सवाल, ठीक है है नंबर लाइन वाले सवाल जहां से भी आप कवर कर रहे हैं अगर आप क्या कहते हैं यूट्यूब से कर रहे हैं जैसे यूट्यूब पे हमारी सीरीज चल रही है तो उसमें भी ये चीजें आपकी होंगी अगर आप बैच से कर रहे हैं तो बैच में वीओडी आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कराया गया है महापैक में ठीक है जो भी बच्चे ये महापैक के बारे में जानना चाहेंगे मैं एक बार बता आपको अलग से दूंगा उसमें पूरा रिकॉर्डेड 2024 का जो सबसे लेटेस्ट अपडेटेड बैच है वो हम लोग ने इंक्लूड करके दिया हुआ है महापैक में तो उससे आप ये सारी चीजें जो है चुन चुन के कवर करेंगे सब करने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि प्री के बाद मेन्स तक समय आप लोग को थोड़ा सा और मिलेगा डिस्काउंट में देखो भतेरों आप लोग के पास वरायटीज होती है केवल ये चार कर लो गारंटीड आपका एग्जाम में इससे सवाल फंसेगा सारे के सारे हो सकता है फंस जाए ठीक है वैसे 80 परसेंट जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में फंसने वाले सक्सेसिव कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ठीक है कि पहले मार्कअप किया गया फिर डिस्काउंट दे दिया जा रहा है फिर सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट वाले क्वेश्चन ठीक है बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट के तीन सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है फिर कुछ आइटम जब फ्री में दे दिए जाते हैं बाय फोर गेट थ्री वाली स्कीम हो गई एम और सी पी में क्या रिलेशन होता है डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड रिलेशन पढ़ लेना आपके सारे सवाल इससे हो जाएंगे ठीक है तो मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या आप लोग को कवर करना है एक बार जल्दी से गो थ्रू हो लेते हैं पूरा अब एवरेज मैं बताऊं एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा ये जो एवरेज ऑफ एन एपी वैरायटी है इससे आ सकता है मुश्किल से आधे घंटे में ये कवर हो जाती है ये जो इसमें इंपॉर्टेंट इंपौर्टें, इंपॉर्टेंट और है वो मैं आप लोग के सामने लिख दे रहा हूं एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेविएशन बेस वाली वरायटी एंड एक आपकी यहां पर वेटेड एवरेज और एलिगेशन वाली वेरायटी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग सीख जाओगे जो कि थ्रू आउट अरिथमेटिक आपके काम आएगी डेविएशन एक टेक्निक होती है ठीक है जो कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह लग जाती है उसी तरीके से ये वेटेड एवरेज और एलिगेशन भी टेक्निक होती है जो कि हर जगह आप लोगों के काम आएगी और यहाँ पे छोटी छोटी वेराइटीज होती है इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाले सवाल जब एक न्यू मेंबर ज्वाइन करता है या कि छोड़ के जाता है ग्रुप को क्रिकेट वाले सवाल बैट्समैन का एवरेज यहाँ पे दिया होता है रॉन्गली एंटर डेटा ठीक है यहाँ पे वेराइटीज आप देख रहे होंगे थोड़ी ज्यादा है लेकिन बहुत ईजी इजी है आप लोग जल्दी कवर कर पाओगे ठीक है रेशियो प्रपोर्शन में आपको क्या करना है आपके सामने लिखा हुआ है अभी सी एच एस एल जो दो हजार चौबीस हुआ है उसमें कॉइन्स वाले क्वेश्चन फिर से पूछे जाने लगे ज्यादा रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन मनी या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे दिया जाएगा कि पैसे जो है चार लोग में बांटे गए इस तरीके से कि ए बी का रेशियो कुछ और है बी सी का रेशियो कुछ और है सी और डी का रेशियो कुछ और है ठीक है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे शामिल होंगे अब ये हमारी कौन सी वैरायटी होती है जब जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे दे दिया गया कि दो लोग की एज अभी थ्री और फोर के रेशियो में है कुछ साल बाद इनकी एज का रेशियो फाइव और सिक्स हो जाएगा तो ये देखो सेम डिफरेंस वाला हो गया सवाल है ना अब अगर यही रेशियो आप लोग का यहाँ पे और मान लो ग्यारह कर दे तो ये डिफरेंट रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया है ना ये एज वाले हमारे सवाल हो गए इसमें

थोड़ा सा स्किप करता हूं यहां पे आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है मैं हूं एडवांस मैथ्स पे यहां पे ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि आपको बहुत बड़ा लगता है सबसे ज्यादा एग्जाम में किससे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहां पे लिख दिया है केवल यही आप लोग को कवर करके जानी है चीजें ठीक है चलो मैं एडवांस मैथ्स पे, पे आता हूं ये अगेन ये सारी चीजें आप लोगों को यार फॉलो करनी है सिर्फ यहां पर देखने के लिए नहीं है है ना कि सर ने दिखा दिया कोई बात नहीं हम लोग अपने हिसाब से इसको कवर करेंगे देखो आप करना चाहे तो कोई रोक नहीं पाएगा है ना मैं क्योंकि घर में आके थोड़ी ना आपको कहूंगा कि नहीं ये पढ़ो ये पढ़ो लेकिन हाँ अगर आपको ट्रस्ट है भरोसा है कि सही चीजें यहां पर लैब पर हमेशा बताई जाती हैं ठीक है तो बिल्कुल इसको एज इट इज फॉलो कीजिए आई कैन पर्सनली गारंटी योर सिलेक्शन ठीक है प्री में से डेफिनेटली आप लोग सेलेक्ट जो है करके आओगे इनफैक्ट ट्वेंटी क्वेश्चन से ज्यादा सही करके एग्जाम में आओगे है ना चलो अब नंबर सिस्टम की जैसे मैं बात करूं कितनी वेराइटीज होती है यूनिट डिजिट फैक्टर्स ट्रेलिंग सीरोज फलाना ढिमकाना कितनी वेराइटीज होती है यहाँ पे एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आते हैं पता है सिर्फ दो से आते हैं टॉपिक से एक डिविजिबिलिटी रूल से और एक रिमाइंडर थियोरम से और कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे देख लेना आप लोग कोई भी एग्जाम उठा के एच सी एफ एल अगेन ईजी होता है इसमें रिमाइंडर वाले सवाल आपको अलग से करने पड़ेंगे इससे खूब प्रश्न आते हैं एग्जाम में ठीक है सिप्लीफिकेशन मैंने बताया कि देखो ये करने की जरूरत नहीं आप लोग इतना जानते हो क्योंकि समय भी कम है ये भी करने की जरूरत नहीं और ये भी आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तीन चीज हम लोग ये तो मतलब एल्जेब्रा में ही सीख लेंगे आपको जो थोड़ा सा यहां पर फंसा सकती हैं चीज़ें वो है सीरीज क्योंकि इसमें फॉर्मले आपको याद होने चाहिए एपी के जीपी के अगर ये नहीं आते तो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे सिंप्लीफिकेशन वाले तो थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है बाकी आप लोग पूरा स्किप कर सकते हो ठीक है लिमिटेड टाइम में हम लोग को कवर करनी है चीजें अब एलजेब्रा में कुछ मत करो केवल ये चार वेरायटीज आप लोग को फिनिश करनी है चार से पांच वेरायटी लिखी है यहां पे स्क्वायर बेस और क्यूब बेस फॉर्मले ठीक है जिसमें आप लोगों के होल स्क्वायर वाले शामिल हो जाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा तीन टर्म वाला भी इसी में शामिल होता है ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर और क्यूब में कौन से आपके फॉर्मले हो जाते हैं ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस भी होल क्यूब ये वाले फॉर्मले हो गया फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब यह अलग वेराइटी है ऊपर वाले से ठीक है उसमें भी होल क्यूब वाले फॉर्म क्यूब वाले घंटे की क्लास देख लो इंपॉर्टेंट वेरायटी आती है तीन वेरिएबल वाली ए क्यू प्लस बीक्यू प्लस ये फिनिश करना है एंड इन सब के बाद ये आपका जो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स माइनस वन बायस देखने में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन इसमें फर्दर बहुत सारे ब्रेकडाउन चलते हैं ठीक है इसमें आप लोग का स्क्वायर वाला भी आ जाएगा आप लोग का क्यूब वाली भी चीज आ जाएगी ठीक है फिर साइन चेंज वाला भी आ जाएगा कि एक्स प्लस वन बाय दिया है एक्स माइनस वन अपॉइट एक्स पूछ रहा है तो इसमें बहुत सारे फर्दर डिजन होते हैं ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज चीज होती है एलजेब्रा की बहुत सारी ऐसी शिफ्ट आपको मिलेंगे कि तीन के तीन सवाल एक्स प्लस वन से आ गए हैं ठीक है दो क्वेश्चन मिनिमम आपके आएंगे ही आउट ऑफ थ्री ये मान के चलिए एक्स प्लस वेटेज होता है एग्जाम में इसी का होता है एलजेब्रा में फिर अगेन ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या करने की जरूरत है मैंने लिखा हुआ है ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन अब आइडेंटिटीज आप लोग देखोगे तो सब आइडेंटिटीज नहीं यहां पे मुश्किल से हमारी छह से सात आइडेंटिटीज केवल ऐसी होती है ट्रिगो में जिससे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ छह से सात ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है अभी मैं आपको बोल रहा हूं यकीन नहीं होगा एक बार मेरे सिलेबस से करके देखना आप लोग मेरे जो कोर्स है उससे तब आपको यह चीज समझ में आएगी क्यों मैं बोलता हूं कि ट्रिगोर एलजेब्रा एडवांस के सबसे ईजी चैप्टर होते हैं ठीक है छह से सात आइडेंटिटीज में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिनिश हो जाएगी फिर एलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट हमें पढ़ना होता है जहां पर दो एंगल का सब नब्बे डिग्री होता है और वैल्यू पुटिक हाइट एंड डिस्टेंस में बस ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होती है इनफैक्ट पढ़नी केवल यही वाली चीज़ है थर्टी सिक्स नाइन्टी और फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टी वाला कंसेप्ट ठीक है इसी तरीके से आप ज्योमेट्री में देख सकते हो इसको गो थ्रू करना मैं हर चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जो है लंबी चली जाएगी स्ट्रैटेजी ये चीज़ आप लोग के लिए मैंने निकाल के दिखा दी है कवर क्या क्या करना है बस ज्योमेट्री का देख लेते हैं अब ज्योमेट्री में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं एग्जाम में आपको तीनों तरीके के ट्रायंगल्स कवर करने हैं ट का फंडा अलग से कवर करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे चार होते हैं ये चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी होती है हमें सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी इससे खूब सवाल एग्जाम में आने लगे हैं एंड ये हमारा हो गया है सर्किल्स का फंडा ठीक है कॉर्ड टैंजेंट और साइक्लिक इसमें इंक्लूडेड है फिर छोटे जो क्वारल्स होते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रोम्बस ट्रपीजियम ये आपको कवर करना है साथ ही में हेक्सागन ये सारे ऐसे फिगर्स हैं कि इनसे क्वेश्चन बने एग्जाम में देखो चाहे यहां पे कवर कर लो या फिर इसको में कवर कर लेना करना आप लोग को पड़ेगा ही एक ना एक बार ठीक है तो ये हमारे मेरा जो था पूरा प्लान हो गया है कि किस तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट सिक्सटी डेज में चीजें जो है लेकर चलनी है मैंने सिक्सटी डेज लिया हुआ है कि सिक्सटी वर्किंग डेज है हो सकता है कि आपको साठ दिन से ज्यादा मिल जाए आज क्योंकि अभी ट्वेंटी फोर्थ जुलाई है आज ठीक है अभी सेप्टेम्बर से अक्टूबर में हो सकता है कि सिक्सटी डेज से आपको ज्यादा मिल जाए लेकिन चीजें आप लोग को ये साठ दिन ऐसे ही फॉलो करनी है नो मैटर कि संडे है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे आप लोग के लिए अब देखो कोई छुट्टी नहीं है एक एक दिन बहुत कीमती है आप लोगों के लिए उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपने मन में जो भी अभी आ रही होंगी उत्तेजनाएं कि नहीं यार हम थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेंगे उसको कुछ समय के लिए दबा दो जो मैंने यहां पर बताया हुआ है सिक्सटी डेज बस केवल यही आप लोग फॉलो कर लो ठीक है आई कैन गारंटी योर सिलेक्शन ठीक है मैं इससे ज्यादा देखो अब कुछ नहीं बोल पाऊंगा ओके okay? अब मैं काम करूंगा मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने आप लोगों के लिए आप लोगों को और कब से देना शुरू करना है इसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा आज इतना ही रखते हैं अब एक चीज जो कि मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे आप लोगों को जो है टॉपिक्स कवर करने हैं आप अगर यूट्यूब से कवर कर रहे हैं गो फॉर इट वरना फिर हमारे महापैक में एक जो हमारा एस एस सी महापैक है इसमें कंप्लीट यानी कि रिकॉर्डेड बैच आप लोग को दिया जा रहा है इसके थ्रू आप लोग कवर कर सकते हैं इसमें अगर आप आगे तो फिर आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं है ना क्लास में कंसेप्ट शॉर्टकट और पीवाई हम लोग तो कवर करते ही करते हैं साथ में असाइनमेंट के लिए शीट्स भी आप लोग को मिलती है यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप लोग के पास देने का ऑप्शन है तो फिर इसमें अगर आ गए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं ठीक है एवरीथिंग इज कवर्ड आपके पता है यहां पे लाइव क्लासेस तो आप लोग की चलेंगी चलेंगी ये सब एडिशनल फीचर है मैं बता रहा हूं जो सीजीएल में आपको अभी काम आएगा वीओटी रिकॉर्डेड बैच उससे आप लोग को ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेने जो भी मैंने लिखाए थे यहाँ पे 2700 से ज्यादा ई e बुक है 2100 से ज्यादा मॉक टेस्ट जिसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट रहते हैं चैप्टर वाइज फुल लेक टेस्ट सब आप लोग के कवर रहेंगे ठीक है एंड अफकोर्स बस ज्वाइन करना है तो यू हैव टू यूज दिस कोड यू टी टेन ठीक है इससे क्या होगा ज्वाइन करते समय मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा है ना सो यू कैन गो फॉर महापैक आपके पास थर्टीन मंथस एंड ट्वेंटी फाइव मंथ्स दोनों के ही ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है ठीक है और क्योंकि अब लाइव बैच इस समय मैं रिकमेंड नहीं कर रहा लाइव में आप लोग का जो है सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी रिमेनिंग टाइम में ठीक है तो गो फॉर एस एस सी महापैक और इसमें आप लोग का आगे मेंस का बैच आएगा वो भी इंक्लूडेड होगा जो भी बैच फर्दर आते जाएंगे वो सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे ठीक है होपफुली अच्छी लगी होगी स्ट्रेटेजी ठीक है सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन अगर पहली बार आए थे चैनल पे तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए ठीक है बाय बाय